किस तरह से आपने आतंकवादियों को ढेर किया था, किस तरह से आपने उनका सामना किया था, कहानी बताएंगे आप अपनी। ये 12 सितंबर 2018 की बात है। हम उस समय वैष्णो देवी की सिक्योरिटी में कटरा में पोस्टेड थे, 6th बटालियन CRPF में। 12 सितंबर को लगभग सुबह हमको खबर मिली कि किसी पुलिस नाके पे कुछ मिलिटेंट्स ने फायर किया है, और फायर करने के बाद वो नज़दीकी जंगल में जा चुके हैं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, हम पूरी अपनी टीम के साथ, CRPF कंपनीज, एडजेसेंट कंपनीज, पुलिस पार्टी के साथ उस जंगल की ओर गए एंड कॉर्डन करके सर्च करने लगे। पूरी 12 सितंबर को हमने वहाँ सर्च किया, बट शाम तक कोई रिजल्ट नहीं आया। एंड इसमें हमको ये पता लगा कि हमको कॉर्डन अभी इंटैक्ट रखना है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कॉर्डन इंटैक्ट रखेंगे। उसी शाम जब हमने ये डिसाइड ही कर रहे थे, तो एक खबर आई, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी वो, कि इस कॉर्डन में किसी गांव में घर में वो छुप गए थे एंड उन्होंने वहीं पे खाना खाया। इससे हमको और इनकरेजमेंट मिली कि अभी जो हमने कॉर्डन लगाया है वो सही निर्णय था, और हम ये सर्च अगली सुबह 13 को फिर कंटिन्यू करेंगे। कैसा लग रहा है आपको, कीर्ति चक्र मिलेगा, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी कंट्री के लिए, अपने बटालियन के, इवन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा लग रहा है। एंड मैं सभी सारे उस मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को उस समय सपोर्ट किया और मेरे डिसीजन के साथ सहमत होकर मेरे साथ डटे रहे और उनको बाहर नहीं जाने दिया।